सो हे गाइस, आज की हम इस वीडियो में हेयर बनाना, आईज़ को हमने किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया एंड प्रॉपर फेस की एक किस तरीके से शेडिंग की जाती है वो आज सारा इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वेलकम टू माई आर्ट चैनल आर्ट विथ नरेश। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास मटेरियल होने वाला ये सारा कुछ है एंड जो पेंसिल वो होने वाली है ग्रेफाइट एंड ये जो है फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इसमें जितना हो सके उतना कवर करेंगे, हेयर्स को आईज को किस तरीके से ड्रा करते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2B ले लिया फॉर द फर्स्ट लेयर। एंड एक ज़रूरी बात, कोई चैनल पर यार नया है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आपको इस चैनल पर आर्ट से रिलेटेड बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। एंड यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू कहाँ पर है तो उसको इजी से अचीव कर रहा हूँ पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करके, क्या यहाँ पर जो मुझे डार्क वैल्यू चाहिए। एंड उसके बाद उसके ऊपर जो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ हल्के हाथों से, बिल्कुल वो है मेकअप ब्रश, वन ऑफ द बेस्ट टूल होता है ब्लेंडिंग के लिए। आप ज़्यादातर आर्टिस्ट आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप जो है अपने आर्ट में इसका ही यूज़ किया करें। तो डिफरेंस फर्स्ट लेयर हमने एक दे दी है एंड देन जो यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करेंगे वो ये है, 8B पेंसिल को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जो हाई ग्रेड की होती है, सबसे ज़्यादा डार्क होती है। तो उसको इजी से मैं यहाँ पर कट करके उससे जो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसको मैं इजी से अपना मेकअप ब्रश से जो है इजी से यहाँ पर ब्लेंड करके एक जो डार्क वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा वो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, हमारा काम जो है आसान हो जाता है और टाइम भी बचता है। आप भी इस तरह के ट्रिक जो लगा सकते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू है, आपको इजी से इस तरीके से आप कर सकते हैं कट करके, या इस तरीके से ग्रेफाइट पाउडर भी मिलते हैं, अगर वो नहीं है तो आप इस तरीके से पाउडर बना सकते हैं कट करके। एंड दोबारा से यहाँ पर जो मैंने 8B पेंसिल को ले रखा है ताकि सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू कहाँ कहाँ पर मुझे दिखाई दे रही तो उसको अचीव कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल, क्योंकि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो हमें एक ऑसम सा लुक प्रोवाइड करते हैं रियलिस्टिक टाइप का, तो वहाँ पर वो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर इजी से। अगर आपके पास ये ना हो तो आप HB पेंसिल को अच्छे तरीके से शार्प करके यूज़ कर सकते हैं इस जगह। एंड मैं यहाँ पर फाइनली यूज़ कर रहा हूँ फाइबर कैस्टल की इरेजर पेंसिल, वन ऑफ द बेस्ट टूल होती है। ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये बहुत चीप क्वालिटी की है, सस्ती है, आपको इजी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑनलाइन दराज से शॉप किया था, आप इसको अमेज़ोन से या कहीं पर भी इजी से शॉप कर सकते हैं, बहुत ही चीप क्वालिटी की है, सस्ती है। एंड मोनोज़ीरो इरेजर थोड़ा महंगा पड़ेगा तो उसके मुकाबले में ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, काम उतना ही देती है लेकिन थोड़ी बहुत जो है अच्छी वर्क निकलता है मोनोज़ीरो इरेजर का। यहाँ पर मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लाइट एरिया है तो उसको ये इजी से कवर कर लेता है। एंड अदरवाइज़ फाइबर कैस्टल बहुत अच्छी यूज़ की है मैंने, बहुत अच्छी है।
मैंने जो है फेस के ऊपर फर्स्ट लेयर दे दी है एंड जो है आईब्रोज वगैरह ड्रा कर लिए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके पोर्ट्रेट को। एंड यहाँ पर टू बी पेंसिल दोबारा से ले ली है एंड उसको जो है आईबॉल्स के अंदर कितनी डार्क वैल्यू है सबसे ज़्यादा उसको इजी से यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से ड्रा करते जाएं, पोर्ट्रेट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है, हड़बड़ी नहीं करनी यहाँ पर के हमें करना क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि अच्छे तरीके पोर्ट्रेट को देखते भी नहीं हैं और ड्रा करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या बाद में दिक्कत प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें पोर्ट्रेट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू है, लाइट वैल्यू कहाँ पर है, तो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर देखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए कुछ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प लगी है इस वीडियो के थ्रू तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब एंड जो है लाइक शेयर एंड कमेंट कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमने जो एक प्रॉपर फेस की शेडिंग करनी है। बाय।